नमस्कार दोस्तों, रेकॉन सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन नंबर 2, द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जी बाय ई फॉर एनी इलास्टिक एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल इज ऑलवेज। तो देखिए, यहां से अगर हम देखेंगे ई और जी में रिलेशन होता है इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। ठीक है, हमें g by e चाहिए तो इसको नीचे ले जाते हैं, 2 1 प्लस म्यू को नीचे ले जाते हैं, तो g by e क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस म्यू। ठीक है, अब इसकी रेंज हमें पता करनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो म्यू की वैल्यू है, पॉइजन रेशियो, वो मैक्सिमम और मिनिमम कितनी हो सकती है फॉर अ इलास्टिक आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो म्यू हो सकता है 0 मिनिमम, फॉर म्यू इज इक्वल टू 0, जी बाय ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी बाय ई इज इक्वल टू 1 बाय 2 1 प्लस 0, तो 1 बाय 2 इंटू 1, तो 1 बाय 2 मतलब 0.5। ठीक है, फॉर मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0.5, तो म्यू की 0.5 वैल्यू के लिए जी बाय ई की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस 0.5, तो ये बनेगा 1.5, ठीक है, इंटू 2, तो 1 बाय 3 मतलब 0.33। ठीक है, तो आप एक चीज देखोगे कि म्यू अगर 0 से 0.5 तक वेरी कर रहा है, तो जो इसकी वैल्यू है वो 0.5 से 0.33 जा रही है। इसका मतलब जी बाय ई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 0.33 एंड लेस देन इक्वल टू होगी 0.5। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखेंगे लेस देन 0.5, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, लेस देन 0.33 नहीं, मोर देन 0.33, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, डी है बोथ ए एंड सी, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।